हे गाइस, व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मेरे शान कोड एवरीथिंग में। तो यार, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सीजन 7 एपिसोड 4 ऑफ द फ्लैश, ठीक है, जो कल आ चुका है। और ये एपिसोड लिटरली काफ़ी अच्छी स्टार्टिंग है सीजन 7 के लिए, ठीक है, क्योंकि सीजन 6 का एंड तुम्हें पता है कैसे एपिसोड पे हुआ था, लेकिन ये एपिसोड काफ़ी अच्छा था ये एपिसोड, ठीक है। तो चलो इसका ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट इन द वीडियो। तो यार, सीजन 7 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर सीजन 6 लेफ्ट आउट हुआ था। मेरे को लगा था शायद कि टाइम जंप होगा, क्योंकि हर सीजन में फ्लैश के टाइम जंप होता है, या तो 2 से 3 महीने का, या फिर कुछ ज़्यादा बड़ा भी टाइम जंप होता है, लेकिन नहीं, ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट हुआ था जहाँ पर सीजन 6 लेफ्ट ऑफ हुआ था। मतलब एवा मैकॉलिक या मिरर मोनार्क चली गई है वापस पोर्टल में, ठीक है, और सिटी को काफ़ी डैमेज हुआ है, और बेरी और उसकी टीम सिटी को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो एवा ने किया था। जैसे कि एपिसोड का टाइटल ही हमें बताता है, सेंट्रल सिटी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये एपिसोड सेंट्रल सिटी के अराउंड घूमता है कि सेंट्रल सिटी में लोग कैसे रिकवर कर रहे हैं अपने आप को, जो एवा ने किया था, उन्हें मिरर वर्ल्ड के अंदर ले गई थी। एंड आगे की स्टोरी भी वहाँ से कंटिन्यू हुई है जहाँ पे स्पीड फोर्स अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो गई थी, या फिर ये कहें कि अलग अलग फोर्सेस सेपरेट आउट हो गई थी एक स्पीड फोर्स से। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यार, एपिसोड स्टार्ट होता है आयरिस वेस्ट से, ठीक है। आयरिस वेस्ट अपने अपार्टमेंट में पहुँचती है और बेरी वहाँ पे उसके लिए एक सरप्राइज़ या फिर कैंडल लाइट सरप्राइज़ रखता है, ठीक है, क्योंकि जो उनके साथ लेटली हुआ है और वो इतने टाइम से सेपरेट आउट थे, आयरिस मिरर वर्ल्ड में थी और बेरी रियल वर्ल्ड में था, तो ऑफकोर्स। और फिर हमें दिखता है कि आयरिस और बेरी बात कर रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, और इतने में ही बेरी और आयरिस को फील होता है एक अर्थक्वेक, ठीक है, ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक नहीं था लेकिन फिर भी। और जो स्टार लैब्स की सैटेलाइट है वो बेरी के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन भी देती है कि कितने रिचर्ड स्केल पे ये अर्थक्वेक था, तो वो लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें पीछे विंडो से दिखाई जाती है फोर्सेस सेपरेट आउट होती हुई, ठीक है। मतलब एक रेफरेंस मिलता है कि कैसे फोर्स क्वेस्ट आगे के एपिसोड्स में कवर आउट होगा, ठीक है। उसके बाद हमें दिखता है फ्लैश का एक इंटरव्यू, ठीक है, और साथ में दिखता है कि सारी जो स्टार लैब्स की टीम है वो रिकवर कर रही है सिटी को, ठीक है, सिटी में नई नई चीज़ें लगा के, और स्टार लैब्स को ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, आफ्टर कुछ भी अगर मतलब ऐसा कुछ होता है तो वो हेल्प करते हैं लोगों की रिकवर करने में। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी वियर्ड लगी है, ठीक है, क्योंकि जब बेरी अपना इंटरव्यू देता है न्यूज़ रिपोर्टर को, तब ना ही वो अपना फेस वाइब्रेट करता है और ना ही अपनी आवाज़ चेंज करता है। इन सिंपल वर्ड्स, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए कोई ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालता, वो सिंपली बस इंटरव्यू दे रहा होता है। क्योंकि इनिशियल सीजन्स में हमें दिखाया गया था कि जब भी वो किसी आउटसाइड वर्ल्ड से, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड इन द सेंस, जब भी वो किसी और से, टीम फ्लैश के अलावा किसी और से बात कर रहा होता है, तब वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपने वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करता है, जिससे उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, और अपने फेस को वाइब्रेट करता है ताकि उन्हें फ्लैश की रियल आइडेंटिटी पता ना लगे, ठीक है। उसके आगे हमें दिखती है केटलिन स्नो, और हमें दिखती है केटलिन स्नो, मैंने यहाँ बोला केटलिन स्नो, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना किलर फ्रॉस्ट और केटलिन स्नो में, ठीक है। तो केटलिन स्नो दिखती है और वो बताती है कि उसको काफ़ी हेडेक हो रहा है, ठीक है, और एलेग्रा आयरिस की कॉल्स को अवॉइड कर रही होती है, लेकिन केटलिन से बोलती है कि अगर तुम्हें आयरिस से किसी चीज़ के बारे में बात करनी है तो डायरेक्ट जाके उससे बात कर लो, उसके कॉल्स को अवॉइड मत करो। फिर हमें दिखती है आयरिस और एलेग्रा की छोटी सी बातचीत, ठीक है, जिसमें आयरिस एलेग्रा से पूछती है कि एवा के बारे में ये रिपोर्ट कैसी है, और उन्हें जल्दी जल्दी रिपोर्ट्स डालनी होगी क्योंकि उनके जो फंड्स हैं वो बहुत कम बचे हैं, और ऑफकोर्स उनकी जो TRP है वो भी 75% से कम हो गई है, क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने इतने टाइम से कोई पोस्ट नहीं डाला है, ठीक है, ना ही कोई रिपोर्ट डाली है। और एलेग्रा उसी पे कहती है कि तुम्हें अपना एक्सपीरियंस लिखना चाहिए, ना कि दूसरों के चैनल से कॉपी करना चाहिए, क्योंकि आयरिस ने ऑफकोर्स थोड़ी थोड़ी चैनल से लाइंस उठा के एक रिपोर्ट बनाई थी, ठीक है, और एलेग्रा उसी पे उससे काफ़ी हार्शली बात करती है। और उसके बाद हमें दिखता है कि क्राइम सीन पे बेरी और बेरी की टीम को पता लग जाता है कि जिसने भी इस इंसान को मारा है वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, और वो एक मैजिशियन है, ठीक है, क्योंकि जो वेस्ट उसके कार्ड्स देख लेता है, जो डेड बॉडी होती है उसके अंदर कार्ड्स लिटरली गड़े होते हैं। और उसके बाद बेरी बताता है कि मैं समझ चुका हूँ ये कौन है, ये है एब्रा कडाब्रा, और चेस्ट अपी रंग बोलता है कि एब्रा कडाब्रा
कौन है बेसिकली, तो सिस्को उसको समझाता है ठीक है एब्राकाडाब्रा के बारे में सब कुछ। और उसके बाद बैरी कहता है कि एब्राकाडाब्रा ने बहुत ही गलत टाइम चूज़ किया है, बहुत ही गलत टाइम चूज़ किया है सेंट्रल सिटी में वापस आने के लिए ठीक है। उसके बाद आयरिस जाती है कुछ लोगों का इंटरव्यू लेने ठीक है, जिन्होंने एवा के ट्रॉमा को झेला है। और वहाँ पर जिनका वो इंटरव्यू लेने जाती है वो पूछते हैं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था तो तुम भी इस काउंसिल में या फिर हमारे ग्रुप में शेयर कर सकती हो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और आयरिस को एकदम से पैनिक होने लगता है और आयरिस वहाँ से चली जाती है ठीक है। तो बेसिकली ये काफ़ी अच्छा तरीका था शो राइटर्स का ये दिखाने का कि आयरिस का ट्रॉमा अभी तक गया नहीं है ठीक है, आयरिस अभी भी उस ट्रॉमा को झेल रही है जो एवा ने उसके साथ किया था, उसको मिरर वर्ल्ड के अंदर 3 महीने तक रखा था। तो ये काफ़ी अच्छी डिटेल थी जो इन्होंने कंटिन्यू करी है इस एपिसोड में ठीक है। उसके बाद हमें दिखती है एब्राकाडाब्रा की फाइट टीम फ्लैश से, पूरी टीम फ्लैश से नहीं लेकिन हाँ पहली फाइट तो सिस्को और फ्लैश ही लड़ने जाते हैं ठीक है। और यहाँ पे हमें सिस्को का नया नाम पता लगता है जो कि है मेका वाइप ठीक है। ऑफकोर्स एब्राकाडाब्रा फ्यूचर से आया तो उसको हर चीज़ पता होगी टीम फ्लैश के बारे में कि टीम फ्लैश के साथ आगे क्या क्या होता है ठीक है। और वो कहता भी है कि इट डजंट एंड टू वेल फॉर यू सिस्को, तो आगे पता नहीं ऐसा कुछ होगा या नहीं सिस्को के साथ जो ठीक ना हो, क्योंकि ऑफकोर्स सीजन 4 के बाद हमें ऐसा एक भी मोमेंट नहीं मिला जहाँ पे सिस्को के साथ कुछ ऐसा काफ़ी डार्क या फिर कुछ ट्रॉमेटिक हुआ जो मतलब एब्राकाडाब्रा ने बोला कि इट डजंट एंड टू वेल फॉर यू, तो ये काफ़ी डार्क था ये ठीक है। लेकिन आगे कंटिन्यू होगा तो काफ़ी मज़ा आएगा देखने में ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखती हैं कुछ ट्रिक्स एब्राकाडाब्रा की और उसके बाद हमें पता लगता है कि एब्राकाडाब्रा को आर्गस वाले लेके जा रहे हैं और लिटरली यही उसका प्लान था पूरे टाइम से। और आर्गस में जाने के बाद उसको 3 ऑब्जेक्ट चाहिए थे जिससे वो एक एंटी मैटर बॉम्ब बना सके और सेंट्रल सिटी को उड़ा सके। तो जिन लोगों को नहीं पता एंटी मैटर वही एनर्जी है जिससे पूरे यूनिवर्स को तबाह किया था एंटी मॉनिटर ने ठीक है। और ये काफ़ी डेंजरस होती है, ये मतलब एक पूरी सिटी को वाइप आउट एक बारी में कर सकती है ठीक है। तो फिर टीम फ्लैश बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब वो इस बारे में क्या करेंगे। और जैसे जैसे एब्राकाडाब्रा टेलीपोर्ट करेगा वैसे वैसे वो एंटी मैटर बॉम्ब रिचार्ज होगा। फिर आयरिस बैरी को समझाती है ठीक है, और बैरी को सडनली रियलाइज होता है कि बैरी ने उसके साथ ऐसा क्या किया है जो एब्राकाडाब्रा ये कर रहा है, क्योंकि एब्राकाडाब्रा पहले बताता भी है कि तुमने मेरे से हर चीज़ छीन ली फ्लैश ठीक है, और अब मैं तुम्हारी हर चीज़ छीन लूँगा जो जिससे तुम प्यार करते हो ठीक है। ये डायलॉग कभी पुराना नहीं होगा क्योंकि हर फ्लैश का विलन लिटरली उसे यही चीज़ बोलता है और हर बार मुँह की खा के जाता है। खैर मूविंग ऑन, तो उसके बाद हमें दिखता है कि सिस्को एक गैजेट बनाता है जो उसे एब्राकाडाब्रा के टैग से मिला था ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर कोई भी उस गैजेट को एक बारी टच करेगा तो उसकी जो प्री क्राइसिस क्राइसिस से पहले की जो मेमोरीज है वो सारी वापस आ जाएंगी ठीक है। जिस पे केटलिन कहती है कि एक ह्यूमन ब्रेन इतना प्रोसेस कर ही नहीं सकता एक बारी में, क्योंकि अगर एक ह्यूमन ब्रेन इतना प्रोसेस कर भी पाता तो भी उसको कम से कम 3 मिलियन ईयर्स लगेंगे सारी मेमोरीज वापस लेने में ठीक है। तो बैरी कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है एब्राकाडाब्रा के साथ क्या हुआ है। तो एब्राकाडाब्रा के साथ भी वही होता है जो बाकी और लोगों के साथ होता है कि जब यूनिवर्स एक साथ कोलाइड हुआ था तब सारी टाइमलाइंस एक में बदल गई थी, सारे मल्टीवर्स एक यूनिवर्स में बदल गए थे और मल्टीवर्स का नामो निशान मिट गया था ठीक है। तो उसके बाद बैरी एब्राकाडाब्रा से बात करता है ठीक है, और वो कहता है कि मुझे पता है कि जो तुमने लॉस सफ़र किया है वो हम सब ने किया है, लेकिन एब्राकाडाब्रा कहता है कि नहीं तुम्हें भी पता लगना चाहिए कि कैसा लगता है जब आप किसी अपने को खोते हो ठीक है। लेकिन बैरी उस पर कहता है कि नहीं मैंने भी अपने किसी को खोया था जिसको मैं अपना भाई मानता था क्राइसिस के अंदर ठीक है, और वो एब्राकाडाब्रा के सेंटर ऑफ द हार्ट तक पहुंच ही जाता है ठीक है और उसको मना लेता है। तो ये उन नॉन टेंजिबल टॉक से काफ़ी अच्छी थी जो बैरी और बैरी की टीम हमेशा करती है कि हमारी टीम में शामिल हो जाओ एटसेट्रा एटसेट्रा ठीक है। उससे काफ़ी अच्छी चीज़ थी है क्योंकि ये एपिसोड देखो डैनियल पेनाबेकर ने डायरेक्ट किया था, और मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि डैनियल पेनाबेकर और डायरेक्टर्स की तरह नहीं है, वो कम से कम सेंसिबल चीज़ें रखती हैं एपिसोड के अंदर। गॉश उन्हें पूरा सीजन डायरेक्ट करना चाहिए ठीक है। उसके बाद हमें दिखता है कि एब्राकाडाब्रा अपने एंटी मैटर बॉम्ब को ऐसे ही छोड़ देता है, मतलब वो अब
नहीं एक्सप्लोर होने देता अपने एंटी मैटर बॉम्ब को, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें दिखती है एक विलन, या दिखता है, आई डोंट नो, वो हल्क जैसा कैरेक्टर लग रहा था और उसकी सीजे बहुत ही ख़राब थी, लेकिन जो भी है उसने एक पूरा एंटी मैटर बॉम्ब एब्जॉर्ब कर लिया और फ्लैश की लाइटनिंग एब्जॉर्ब कर ली, जो कि इम्पॉसिबल है, किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ उन लोगों के लिए इम्पॉसिबल नहीं है जो स्ट्रेंथ फोर्स स्ट्रक हुए हैं, जो कि हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाई दिया था, ठीक है। तो ये उनमें से ये कैरेक्टर है और यही अर्थक्वेक का कॉज भी थी या था, जो भी है यार, इन्हें प्लीज़ क्लियर करना चाहिए कि ये लड़का है या लड़की है, ठीक है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड के ब्रेकडाउन में बताया था कि आगे इस सीज़न के अंदर आधे एपिसोड्स के लिए फोर्स क्वेस्ट की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और हो सकता है शायद जूम भी वापस आए। जब शो डायरेक्टर्स के साथ एक इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हाँ बिल्कुल जूम मेरे दिल के काफ़ी करीब है और मैं जूम को इतनी जल्दी ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, तो मैं कोशिश करूँगा, अपनी पूरा ट्राई करूँगा कि किसी ना किसी तरीके से या फिर किसी ना किसी क्राइसिस के कनेक्शन से मैं जूम को वापस ले आऊँ, ठीक है। 2-3 एपिसोड्स के लिए सही, लेकिन जूम वापस आएगा, ठीक है। और बाकी एपिसोड्स के लिए गॉड स्पीड की स्टोरी कवर होगी और हमें पता लगेगा कि ऑगस्ट हार्ट का बेसिकली क्या हुआ, क्योंकि ऑगस्ट हार्ट पहले फ्यूचर से था लेकिन अब जब सारी टाइमलाइंस एक हो गई हैं, सारे यूनिवर्सेस एक हो गए हैं, तो अब ये देखने में काफ़ी मज़ा आएगा कि गॉड स्पीड कौन से यूनिवर्स से था और प्री क्राइसिस के बाद गॉड स्पीड के कैरेक्टर के साथ क्या ये लोग करते हैं या फिर क्या क्या ये चेंजेस लाते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमें दिखता है कि सिस्को चेस्ट पीरंग के साथ फोर्टनाइट खेल रहा होता है, ठीक है, और ये काफ़ी बढ़िया था क्योंकि यार फोर्टनाइट मैं भी खेलता हूँ और काफ़ी अच्छी गेम है और मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा कि सिस्को एक टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ फोर्टनाइट भी खेलता है, ठीक है। उसके बाद हमें दिखती है केटलिन स्नो और वो काफ़ी टेंशन में होती है, ठीक है, वो कहती है सिस्को यू हैव टू सी दिस, तो सिस्को कहता है कि इज़ इट अबाउट दैट हेडेक। लेकिन इसके बाद हमें दिखता है कि केटलिन और किलर फ्रॉस्ट दोनों सेपरेट आउट हो चुके हैं सेपरेट बॉडीज़ के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और टर्निंग पॉइंट था एपिसोड का। खैर ये एंडिंग थी एपिसोड की तो इसमें कोई टर्निंग पॉइंट जैसी चीज़ थी नहीं, लेकिन ये आगे के एपिसोड्स के लिए टर्निंग पॉइंट था कि यार ये दोनों कैसे सेपरेट आउट हो सकते हैं, क्योंकि किलर फ्रॉस्ट केटलिन के ही माइंड का दूसरा पार्ट है, ठीक है। और अगर ऐसा भी हम मान लें कि किलर फ्रॉस्ट का माइंड किसी और की बॉडी में टेलीपोर्ट नहीं लेकिन हाँ किसी तरह किसी और की बॉडी में डाल दिया जाए तो भी इन दोनों की शक्ल सेम नहीं रहेगी, लेकिन इन दोनों की तो शक्ल भी सेम है। खैर वो अगले एपिसोड में ऑफकोर्स ये एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बस मैं ये नहीं चाहता कि ये लोग वेल्स की तरह मजाक में इस चीज़ को भी उड़ा दें, क्योंकि ये वेल्स से काफ़ी बड़ी चीज़ है, ये किसी यूनिवर्सल पार्टिकल्स का कमाल नहीं है, ये ऑफकोर्स किसी और चीज़ की वजह से है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने में। और अब टीम फ्लैश को 2 मेंबर्स मिल गए हैं नए, केटलिन, खैर केटलिन पहले से ही मेंबर थी टीम फ्लैश की, लेकिन अब दोनों सेपरेट आउट हो गए हैं तो ऑफकोर्स एक नया मेंबर आ गया है उनकी टीम में, तो वेट करते हैं अगले ट्यूसडे का और अगले एपिसोड का, ठीक है। और अगर तुम्हें पिछले एपिसोड का ब्रेकडाउन देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लेना, मैंने सारे एपिसोड्स के ब्रेकडाउन डाल रखे हैं आई बटन में, ठीक है, अगर कोई भी मिस आउट किया हो तो देख लेना। और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा एपिसोड। मेरे हिसाब से ओवरऑल ये एपिसोड काफ़ी बढ़िया था और सीजन 7 के लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग एपिसोड था, ठीक। और कमेंट में बता देना अपने व्यूज़ इस एपिसोड के बारे में, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कुछ भी रिलेटेबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ज़्यादा ही अच्छी लग गई हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर भी कर देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज गुड टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।